वन मोर। तो गाइस यहाँ पे हमने थोड़ा सा और एक्साइट कर दिया माहौल को, नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, डर गए थोड़े से। और ये देखिए गाइस, आज सभी बाइक्स आपको एक जैसी लुक में नज़र आएंगी, सबके कपड़े उतार दिए गए हैं। ये देखिए सिर्फ शेखर भाई की है जिसकी इज्जत बची है अभी, बाकी सभी को नेकेड कर दिया गया है। ओह वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन शायद फ्रेम में नहीं आई। और ये थोड़ी दूर जाने के बाद ही कर पा रहे हैं, फ्रेम में रह के तो एक भी नहीं कर पाए। अभी 390 के ऊपर हाथ बिठा रहे हैं थोड़ा। वेरी नाइस। ये अच्छी थी। तो गाइस यहाँ पे एक मिली मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और देखते हैं कि कैसी उठती है। ट्रैक्शन ऑफ कर देते हैं पहले। तो गाइस यहाँ नॉन स्टॉप व्हीलियाँ चल रही है। तो गाइस अभी एंगल चेंज कर दिया है और आपको इस वाले एंगल से दिखने वाला है अभी मेरे शॉर्ट्स या आरएन जो भी आगे चलेगा, लेकिन यहाँ से थोड़े स्टेबल शॉर्ट्स आते हैं जो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं आपको। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको नए नए एंगल दिखाते रहें। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और एक बार फिर से नई वीडियो को लेकर आ गए हैं वापस। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम वहाँ पे स्टंडिंग सेशन कर रहे थे, तो उससे आगे का मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी। और ये वीडियो स्पेशली इसमें मेरे शॉर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं क्योंकि इस टाइम मैंने कैमरा माउंट किया हुआ था गूगल के आगे शीशे के ऊपर, तो उस वजह से इसमें मैंने अपने शॉर्ट्स मुझे बहुत अच्छे से मिल गए हैं और ये एंगल भी बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने इन शॉर्ट्स को अलग से वीडियो में यूज़ करने की सोची थी। इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी और ज़्यादा बड़ी वीडियोस को ज़्यादा देख ही रहे, एवरेज भी बहुत कम आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको अलग वीडियो रखा है। तो मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ अब ये पार्ट्स कम से कम लेकर आऊँ क्योंकि शायद पार्ट्स कोई पसंद नहीं कर रहे, इसलिए मैं अब पार्ट्स कम ही लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हर एक राइड को एक ही वीडियो में निपटा दूँ, लेकिन ये राइड ही कुछ ऐसी अच्छी थी कि मुझे दो वीडियो इसकी बनानी पड़ी है। तो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये कंटेंट। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है लीन गेम, लेकिन इस रोड पे भी ऐसे कुछ मोड़ हैं जहाँ पे स्पीड आपको बहुत कम करनी पड़ती है, वो मोड़ स्पीड को लिटरली खा लेते हैं पूरा, तो उस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से कट लेना पड़ता है। और अगर आपको सामने क्लियर दिख रहा है तो थोड़ा बाहर जाकर भी आप उसका लीन ले सकते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। तो इस रोड पर वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस रोड पर जो मज़ा है राइडिंग करने का वो रोड किसी और रोड पर नहीं आने वाला है शायद, तो आप देख सकते हो। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि इस रोड से उनको प्यार हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हम इस रोड पे लोकल हैं बिल्कुल और डेली हम बचपन से ही इस रोड के ऊपर चले हैं, तो हमें ये रोड पूरा लिटरली याद है इसका एक एक मोड़ की कहाँ पे हमको कितनी स्पीड है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसी बात का रिजल्ट है मेरा यहाँ पे इशारा। और इसके बाद मैंने मूल को बोला कि आजा अब यहाँ से आगे ट्रैक शुरू होता है, तो वो बिल्कुल चिपकने के लिए मैंने उसको बोल दिया था कि बिल्कुल साथ में रहना। और इसके बाद हमने जो बाइक को भगाया आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसके बाद। लिटरली हम लोगों ने नी डाउन के लिए पूरी कोशिश की है, वैसे तो वैसे नहीं हो पाया है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे तो नी डाउन करना, लेकिन हमने बहुत कोशिश की थी यहाँ पे और बहुत अच्छे से हमने बाइक को भगाया है, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं राइड को। गाइस अभी मैंने वापस अपना माउंट कर दिया हेलमेट पे और आप देख सकते हैं आपकी कैसा ब्रश होने वाला है क्योंकि सारे अभी बहुत मोशन में हैं और बहुत अच्छे से हमने अभी तक बहुत अच्छे से बाइक भगाई है सभी ने।
और गाइज यहाँ से स्टार्ट होने वाला है साइको शो, पीपल कॉल दी साइको राइडर का, और इससे आपको पता चलता ही होगा कि साइको राइडर क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आ रहे लेन कहते हुए बहुत अच्छे से बहुत हाई स्पीड्स में कॉर्नर्स को कट किया, तो बहुत मज़ा आ रहा था गाइज यहाँ पे, और आरएन भी बहुत अच्छे से बाइक को भगा रहा था। ये यहाँ पे एकदम हार्डकोर ब्रेकिंग, लेकिन उसके बाद इसने जो पुश किया है बाइक को, मैंने बहुत कोशिश की चेज़ करने की लेकिन मैं नहीं कर पाया। गाइज़ वन मोर टाइम ट्रैक हो गया है फिर से शुरू, और ये भी वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बाइक को भगाने का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे मुकुल और आर्यन ने आगे लीड किया है राइड को, और इसके बाद हमने ओवरटेक कर लिया था वैसे तो, लेकिन उसके बाद जो मज़ा आया है गाइज़ उसके बाद आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने बाइक को खींचने की कोशिश की, और उसी के बाद मैं खींच पाया हूँ पावर की वजह से, क्योंकि आर्यन ने बहुत अच्छे से रोड से चिपकाया हुआ था बाइक को। और वैसे तो राइड यहीं पे ख़त्म होने वाली थी टिक्कर पे, लेकिन जिस तरीके से सब चार्ज हो रखे थे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, और इसलिए मैंने इशारा किया कि आगे ही चलते हैं और पेट्रोल पंप तक एक राउंड मार कर आते हैं। तो गाइज अभी वापस आ रहे थे और थोड़ा मज़ा नहीं आया, तो सोचा कि थोड़ा एक राउंड आगे तक मार लेते हैं, और अभी पेट्रोल पंप की साइड में जा रहे हैं क्योंकि वो भी अच्छा ट्रैक है पेट्रोल पंप से कहाँ की साइड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जैसे ही हम इस जगह पे ट्रैक पे पहुँचे, उसके बाद सभी के दिमाग में एक ही बात आती है हमेशा की तरह कि आज तो बाइक का टॉप हाईएस्ट स्पीड लेके जाऊंगा, और वही हमने किया है और फुल तरीके से यहां पे खींचा है, और मैंने अपनी लाइफ में सेकंड टाइम यहां पे 132 हिट किया है, और आर एन ने भी 132 हिट किया, जो बहुत बड़ी बात है वैसे तो यामा के लिए, क्योंकि एफजेड की इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं है, और वो 0 to 100 तो फास्ट है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खींचती है, तो मैं शॉर्ट आउट देता हूँ उसको। और उसने बहुत अच्छे से बाइक को 132 तक ले जाया है, बाकी मुकुल ने 143 तक ले जाया है, और शिखर भाई 141 तक लेकर गए हैं। गाइस आज मैंने अपना हाईएस्ट हिट कर दिया यहाँ पे 141 तो गाइस 390 दोनों 141 और 250 दोनों 152। तो गाइस आपने यहाँ पे सुना होगा मुकुल ने 141 बोला, लेकिन बाद में जब हमने फुटेज चेक की 143 थी स्पीड, तो इसलिए मैं करेक्ट करना चाहता हूँ उसको। तुमसे ना हो पाएगा।
गाइस आज तो मैंने इस रोड पे भी अपना हाईएस्ट पुश करके खींचा है, तो बाइक बहुत अच्छे से यहाँ पे भगाई थी मैंने आगे आगे। गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, हमने यहाँ पे राइड को खत्म कर दिया था, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हमने राइड किया भाई, जब भी मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम राइड थी और मज़ा आ गया, एक्सट्रीम कॉर्नरिंग।